जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली उन सभी छात्रों के लिए है जो खुद नेवी एयरफोर्स या एनडीए की तैयारी करते हैं या उनके छोटे भाई बंधु तैयारी करते हैं या जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं उन सभी के लिए। आज सभी को पता है कि हमारी जो अकेडमी है कुचामन सिटी राजस्थान में है कमांडो अकेडमी के नाम से। गारंटी बैच चलाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स की कॉल आते हैं, सर गारंटी किस बात की कि हम 100% सिलेक्शन देंगे, इस बात की क्या गारंटी है अगर आप सिलेक्शन हमारा बच्चा हम आपके पास में छोड़ के गए सिलेक्शन नहीं हुआ तो। दूसरी बात, सबसे कम फीस 30,000 रुपए फीस है दो साल की। कितने की? दो साल की। और अगर दो साल में सिलेक्शन नहीं होता तो ये 30,000 रुपए आपको बिल्कुल वापस दिए जाते हैं, यानी 100% रिफंड। यानी अगर आपका बच्चा दो साल तक यहां रहता है और अगर दो साल में नौकरी नहीं लगता तो आपका एक रुपया भी नहीं लगता फीस का। अब सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि सर गारंटी है क्या 100% हमारा बच्चा नौकरी लगेगा ही लगेगा? तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज समझा देता हूं, उसके बाद मैं आगे की बात बताता हूं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप इस वीडियो को थोड़ा अंतिम तक देखिए, आपके जीवन का या आपके छोटे भाइयों के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, गारंटी सबसे पहले परिणाम डिसाइड करता है कि गारंटी क्या होती है। एसएससी जीडी आप सभी जानते होंगे, एसएससी जीडी का भी एग्जाम होता है जिसमें 51 में से 40 बच्चे पास है तो आप अनुमान लगा लिए इसी को गारंटी बोलते हैं। इसी को गारंटी बोलते हैं। हम पैसे देके कहीं नौकरी नहीं लगवाते हैं कि हम कोई एजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे पकड़ो 3,00,000 रुपए और नौकरी लगवा तो ऐसा कुछ नहीं है। हम गारंटी इस बात की लेते हैं कि जैसे हमारे पास में 51 बच्चे थे उसमें से 40 बच्चों का सिलेक्शन, तो ये आंकड़ा ही गारंटी है। अब गारंटी होती क्या मैं आपको बताता हूं। देखिए, गारंटी क्या होती है, जो बच्चा हमारे पास में गारंटी बैच में आता है उसकी गारंटी, उसकी बोलते हैं जिम्मेदारी। जिम्मेदारी ही सबसे बड़ी चीज है। अगर हम हमारा काम जिम्मेदारी से करें तो बिल्कुल 100% परिणाम रहता है। हो सकता है कि 5-10 बच्चे ऐसे हो तो पढ़ाई में काफी कमजोर हो तो उनको समय ज्यादा लग जाए लेकिन नौकरी पक्का लगेंगे। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो गारंटी बैच रहता है इसके मैं रूटीन बताता हूँ। जो भी बच्चा रहता है इस बैच में, हम इस बच्चे को पूरे दिन जो इन्वायरमेंट रहता है वो इस प्रकार से रहता है कि जब भी कंपटीशन एग्जाम है, हमारा मेन फोकस जैसे दो साल का हम बैच चलाते हैं कि दो साल के अंदर अगर आपका बच्चा नौकरी नहीं लगता तो हम आपकी संपूर्ण फीस लौटा देंगे। अब आप खुद सोचिए कि हम जो आपसे फीस लेते हैं दो साल में अगर हमने आपको लौटा दी तो हम तो कर्जे में डूब जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि दो साल तक यानी लगभग 700 दिन तक अगर हमारे पास में कोई बच्चा रहता है तो सबसे पहले आप सोचिए कि वो बच्चा 700 दिन तक पढ़ता है पूरी जिम्मेदारी के साथ, तो क्या वो एक छोटी सी नौकरी नहीं लगेगा? आप खुद सोचिए, आप भी समझदार, ऐसा हो नहीं सकता। वही हम करते हैं और इसमें कुछ कोई जादू टोना या कोई पैसे देने वाला काम हम नहीं करते कि हम कहीं एजेंटों को 5,00,000 रुपए दे दिए और आपका बेटा नौकरी लग गया, ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, जो भी बच्चा जैसे अभी हम नेवी एयरपोर्ट पे तो बेस लॉन्च किया, आप सबको पता है जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं हम केवल 100 एडमिशन लेंगे जिसमें से 40 एडमिशन कंप्लीट है नेवी एयरपोर्ट के बेच में इस फीस में। इसके बाद में फीस बढ़ जाएगी, इस फीस में ये फाउंडेशन बेच है, उसके बाद में जो बेच की फीस आएगी वो आपको बता दूं। जैसे हमारा एसएसजीडी का बेच है जिसकी फीस 1,30,000 रुपए है, वही फीस नेवी एयरपोर्ट के बेच की रहेगी बाद। ये केवल पहले 100 बच्चों के लिए फाउंडेशन बेच चलाया है, तो जितने भी बच्चे हैं वो अभी आ सकते हैं अकेडमी या अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। 40 इसमें से सीटें फुल हो चुकी है, 60 सीट है, जो बच्चा आना चाहता है अभी से अपना एडमिशन करा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं देखिए क्या होता है। गारंटी बेच की परिभाषा आपको बता दूं, गारंटी बेच की परिभाषा यह है कि हम इन बच्चों को पूरा का पूरा जो सिलेबस अकॉर्डिंग टू वैकेंसी के अनुसार सिलेबस कराते हैं, नियमित समय पर इनकी क्लासें लगाना, इनको उठाना, लाइब्रेरी में ये पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, सब जगह कैमरे लगा के नजर रखते हैं, बाद में हर शनिवार को इनका वीकली जो पढ़ाया गया उसका टेस्ट, हर संडे को जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा उसका टेस्ट, बाकी रूटीन में डेली कम से कम एक टेस्ट पेपर देता है जिसके नंबर हम आप जितने भी पेरेंट्स हैं उनके साथ में साझा करते हैं कि आपके बच्चे के इतने नंबर आए और जैसे मान लो 100 बच्चे हैं तो उसमें से आपके बच्चे की रैंक कौन सी है, तो उससे आपको भी पता चल जाएगी आपका बच्चा कितना पढ़ा लिखा है, क्या उसका क्राइटेरिया है, कहां पर वो चल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, वो सुबह जैसे 4 बजे से लेकर 4 AM हमारे यहाँ पे उठाने का समय है, तो 4 बजे से लेकर 8 बजे तक वो सेल्फ स्टडी करता है, मतलब कि आधा घंटा फ्रेश होने का छोड़ दिया उसके बाद में, तो सेल्फ स्टडी में उसको डाउट सॉल्व कराते हैं साथ में, यानी जो स्टाफ मेंबर रहता है हर एक स्टाफ मेंबर 1-1 घंटा वहां ड्यूटी करता है, तो उसे ये पता रहता है कि जो बच्चे कोई भी समस्या है वो निदान कर सके। अब
हमारे यहां पे एक नियम है कि 90% उपस्थित होना जरूरी है, यानी लगभग आप एक साल में 40 दिन से ज्यादा अब्सेंट नहीं रह सकते। तो एक बच्चे में कंटिन्यूटी बनी रहती है, लगातार वो पढ़ता रहता है, साथ में उसको लगातार जितने भी जो स्टाफ भी है या मैं खुद या जितना भी हमारी टीम है वो उनको वो इन्वायरमेंट देती है जिस प्रकार से पेपर होते हैं ऑनलाइन, उनको इस प्रकार से टेस्ट लिए जाते हैं कि किस प्रकार से टेस्ट होगा उनका, ये चीजें, और एकदम जिम्मेदारी के हिसाब से काम किया जाता है कि हाँ भाई अभी से अभी तक इस प्रकार की क्लास लेनी अनिवार्य है, पढ़ना अनिवार्य है, टेस्ट में नंबर लाना अनिवार्य है, अगर नहीं लाएगा तो उसकी कंप्लेन होगी, उसको अलग टाइम पे पढ़ाया जाएगा, उसकी रेस्ट खत्म कर दी जाएगी। मान लीजिए कोई बच्चा मकरागिरी करता है, टेस्ट लेते हैं, उसका टेस्ट में अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो जैसे उसका रेस्ट टाइम होता है, जैसे दिन में 12:30 बजे से खाना स्टार्ट होके फिर 3 बजे तक रेस्ट टाइम है, तो उसका क्या होगा, 12:30 बजे से 1 बजे तक खाना हो जाएगा, 1 बजे से वापस उसकी क्लास लग जाएगी। तो यानी उस बच्चे को पढ़ना हम मजबूर कर देते हैं कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। साथ ही जैसे शाम का उसका गेम टाइम है वो बंद हो जाता है, अगर वो रिजल्ट नहीं देता तो उसका गेम टाइम बंद हो जाता है। तो धीरे धीरे उसको मजबूर कर देते हैं पढ़ने के लिए, मजबूर इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे पता है जितने भी पेरेंट्स या जितने भी जो बच्चे हैं नेवी एयरफोर्स और आर्मी की तैयारी करते हैं या डिफेंस की तैयारी करते हैं, उन सबके परिवार की जो पारिवारिक स्थितियां बहुत खराब होती है, और इसलिए हमारा टारगेट रहता है किसी भी कंडीशन में आपका बच्चा नौकरी लगना बहुत जरूरी है, यही गारंटी बेच है। यानी उसका सही हिसाब से टेस्ट लेना, उसको सही इन्वायरमेंट देना, सही सिलेबस देना, सही प्रकार से तैयारी कराना, अगर वो नहीं पढ़ता तो उसको मजबूर करना पढ़ने के लिए, उसका रेस्ट टाइम खत्म कर देते हैं हम, तो अपने आप वो पढ़ने लग जाता है और 5 से 10, 15, 20 दिन के अंदर अंदर वो एक ढर्रे में डल जाता है। उसके बाद में उसके धीरे धीरे अपने आप उसकी जो बुद्धि है वो बढ़ जाती है और बच्चा पढ़ने के एनवायरमेंट में आ जाता है। अब आप सोचिए कि इस प्रकार बच्चा अगर 2 साल तक कहीं तैयारी करे तो आप खुद मुझे इस बात का आंसर कर दीजिए, क्या बच्चा नौकरी नहीं लगेगा क्या? इतनी बड़ी भी नौकरी नहीं है। अगर 2 साल कोई बच्चा रंज की तैयारी करे तो आईपीएस फाइट कर दे, तो आप सोचिए डिफेंस की तैयारी करने वाला बच्चा क्यों नहीं फाइट करेगा आर्मी नेवी। जितने भी बच्चे हैं आपको बता दूं जो तैयारी करना है, अभी ये बैच नया शुरू हो रहा है तो आप 20 तारीख से पहले पहले इस बैच में एडमिशन ले सकते हो, हो सकता है कि 20 तारीख के बाद में आपको सीट अवेलेबल ना हो। जय हिंद, जय भारत।